हुंडई मोटर्स ने अपनी नई कॉम्पैक्ट सेडान वरना के फेसलिफ्ट 2020 को लॉन्च कर दिया है 9.3 लाख रुपीस में। तो इस वीडियो में हम इसी फेसलिफ्ट को कंपेयर करने वाले हैं पुरानी वरना से, मतलब कि प्री फेसलिफ्ट वर्जन से, और देखते हैं कि नई वरना में क्या कुछ नया मिल जाता है। लगभग 7 नए चेंजेस इस नई वरना में किए गए हैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर रांझा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ्रेश राइडर RX। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए बात कर लेते हैं न्यू वर्जन की वरना के डिज़ाइन की। तो फ्रंट प्रोफाइल में आप लोग देख ही सकते हैं कि इसे पूरी तरह बदल दिया है। अब आपको इसमें मैच पैटर्न कैश फिटिंग ग्रिल मिलती है। इसके अलावा हैंड लैंप को भी रीडिज़ाइन कर दिया गया है। पहले इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैंप्स मिला करते थे, जबकि अब इसमें LED हेडलैंप्स मिलते हैं। इसके अलावा डे टाइम रनिंग लाइट्स के पैटर्न को भी चेंज कर दिया गया है और फ्रंट बम्पर को पूरी तरह बदल दिया गया है। फोग लैंप्स को भी रीडिज़ाइन कर दिया गया है और फ्रंट प्रोफाइल को पूरी तरह से बदल दिया गया है। साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो सबसे पहले नजर जाती है इसके अलॉय व्हील्स के ऊपर। पहले भी आपको इसमें 1/6 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते थे और अभी भी 1/6 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, लेकिन उसके पैटर्न को बदल दिया गया है। इसके अलावा इसमें आपको कोई साइड चेंज देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ पहले जैसा ही है। और अब बात कर लेते हैं इसके रियल प्रोफाइल के बारे में। तो फ्रंट प्रोफाइल की तरह टेल लैंप्स को भी रीडिजाइन कर दिया गया है। हालांकि कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है, टेल लैंप्स में बेसिक पैटर्न पहले की तरह का ही है, लेकिन इस लैंप्स में आउटलाइन एक्स्ट्रा मिल जाती है। इसके अलावा रियर बम्पर को भी बदल दिया गया है, जिसकी वजह से इसके रियर प्रोफाइल पहले से कंपैरिजन में थोड़ी स्पोर्टी लगने लगी है। यह तो हो गए इस गाड़ी के एक्सटीरियर में चेंजेस। अब इसके अंदर के चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं और इंटीरियर के बारे में। गाड़ी में फ्रंट की तरह इसके इंटीरियर में भी काफी बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं। इंटीरियर देखते ही इसकी सबसे पहले नजर आती है इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम में, जिसमें अब आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जबकि पहले मैक्सिमम 7 इंच की मिल पाती थी और लोअर वेरिएंट में 5 इंच की मिल जाती थी। यह नई वाली टच स्क्रीन पूरी तरह डेस्कटॉप तो नहीं है, लेकिन पुरानी वाली इंफोटेनमेंट सिस्टम से बेहतर है। इसके अलावा इसके एसिड पेंट्स के डिजाइन को भी चेंज कर दिया गया है, यह अब पहले से ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी लगने लगा है। इसके अलावा एसी सराउंड और इंफोटेनमेंट सिस्टम के सराउंड को सिल्वर कलर की जगह अब ब्लैक कलर में कर दिया गया है। इसके अलावा इंटीरियर में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी चेंज कर दिया गया है, अब इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जबकि पहले एनालॉग मिला करता था। इसके अलावा कोई चेंज नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एक फेसलिफ्ट के हिसाब से इस गाड़ी में डिजाइन में काफी चेंजेस किए गए हैं, जो देखने में अच्छे भी लगे। दूसरा बड़ा चेंजेस किया गया है इस गाड़ी के इंजन में। इस नई वरना में भी आपको सेल्टस वाले ही इंजन मिलते हैं, जो बाद में क्रेटा में मिलने लगे थे और अब नई वरना में मिलने लगे हैं। हालांकि पुराने वाली वरना में आपको टोटल 4 इंजन मिला करते थे, 2 पेट्रोल के और 2 डीजल के, लेकिन इस नई वरना में आपको 3 ही मिल पाते हैं, 2 पेट्रोल के और 1 डीजल का। नई वरना में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 130 bhp की पावर जनरेट करता है 6000 rpm पर, और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 4500 rpm पर। इस इंजन में मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ही मिल जाते हैं। माइलेज के बारे में बात की जाए तो इस नए पेट्रोल इंजन में मैनुअल ट्रांसमिशन में 17.1 kmpl का माइलेज क्लीन किया जाता है, जो पुराने इंजन से 0.6 kmpl कम है, और नए इंजन में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 18.1 kmpl का माइलेज मिलता है, जो कि पुराने वाले इंजन से 2.1 kmpl ज्यादा है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में माइलेज बढ़ जाने की वजह है इस गाड़ी में CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना, जो कि पहले टॉर्क कन्वर्टर में किया जाता था। दूसरे नए इंजन के बारे में बात करते हैं तो वो है 1 लीटर टर्बोचार्जर
हैजर्ड पेट्रोल इंजन जो 180 bhp की पावर जनरेट करता है 170 न्यूटन मीटर के पीक टॉर्क पर। इस इंजन में आपको सिर्फ DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी मिलती है, मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिल पाता। अब माइलेज की तरफ देखा जाए तो 1 लीटर पेट्रोल इंजन में 17.8 kmpl का माइलेज क्लीन किया जाता है जो कि पुरानी वर्ना से 1.88 kmpl ज्यादा है। तीसरे नए इंजन के बारे में बात करें तो वो है 1.5 लीटर डीजल इंजन जो 130 bhp की पावर जनरेट करता है 4000 rpm पर और 250 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है 5000 rpm पर। इस इंजन में मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाते हैं। माइलेज की बात की जाए तो तीसरे नए इंजन में 21.4 kmpl जबकि ऑटोमेटिक में 18.3 kmpl माइलेज क्लीन किया जाता है। अब बात करते हैं तीसरे नए चेंजेस के बारे में तो वो है गाड़ी के सेफ्टी में। न्यू वर्ना में आपको पहले से ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड की गई है। पुराने वाली वर्ना में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, 6 एयरबैग, EBD, सीट बेल्ट रोटेशनल विद लोडल मीटर और स्पीड अलर्ट जैसी सेफ्टी फीचर्स मिल जाते थे, लेकिन नई वर्ना में इन सभी फीचर्स के अलावा हिल कंट्रोलर, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर और 4 डिस्क ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। नेक्स्ट चेंज किया गया इस गाड़ी के कम्फर्ट कैरमेनियम के फीचर्स में। नई वर्ना में कई सारे नए फीचर्स को एड कर दिया गया है जैसे कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, LED हेडलैम्प्स, ट्विन टैप मफर, इंटरपो इंजन ओनली, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद 4.2 इंच कलर TFT, 8 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम विद HD डिस्प्ले, ब्लू लिंक कनेक्ट कार टेक्नोलॉजी और पेडल शिफ्टर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। यह सभी फीचर्स आपको नहीं मिल पाते थे जबकि इस नई वर्ना के साथ मिल जाते हैं। पांचवें नए चेंजेस किया गया है इस गाड़ी के वारंटी ऑफर में। पुराने वाली वर्ना के साथ आपको 3 साल तक या अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी ऑफर मिलता था, लेकिन इस नई वर्ना के साथ आपको 3 तरह के वारंटी ऑफर मिलते हैं जिनमें से कोई एक आपको चुनना होगा। पहला 3 साल का या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक का, दूसरा 4 साल का या 60,000 किलोमीटर तक का और तीसरा आखिरी ऑफर 5 साल तक का 50,000 किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चेंज किया गया है इस गाड़ी के कलर ऑप्शन में। पुराने वाली वर्ना में आपको 7 कलर ऑप्शन मिलते थे जबकि नई वर्ना में आपको 6 कलर ऑप्शन मिलते हैं क्योंकि वर्ना के ब्लू कलर को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। सातवां चेंज किया गया है इस गाड़ी के प्राइजेज में। पहले के कंपैरिजन में यह गाड़ी लगभग 1.25 लाख रुपए महंगी हो चुकी है। नई वर्ना का 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन एक्स शोरूम प्राइस न्यू दिल्ली के हिसाब से 9.3 लाख रुपए से शुरू होकर 13.85 लाख रुपए तक का है और 1 लीटर टर्बोचार्जर पेट्रोल इंजन का प्राइस न्यू दिल्ली के हिसाब से 14 लाख रुपए तक का है। अब इस बात करते हैं इसके डीजल इंजन के प्राइस के बारे में तो नई वर्ना में डीजल इंजन 10.65 लाख रुपए से शुरू होकर 15.10 लाख रुपए तक का हो गया है। तो इसके प्राइस बढ़ने का मेन कारण है इसमें CVT एडवांस टेक्नोलॉजी और न्यू जनरेशन के फीचर्स हैं। तो चलिए कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा इस गाड़ी में किए गए चेंजेस आपको कैसे लगे, ये गाड़ी नेक्स्ट जनरेशन होंडा सिटी को टक्कर दे पाएगी या नहीं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।